हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बना रहे हैं बेसन और सूजी से चीला, जिसे खाकर आप तो खुश होने वाले हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इस बेसन चीला को बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से बनता है गाइस। तो चलिए फटाफट बेसन चीला बनाते हैं। चीला बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर वेजीज ले लिए हैं, थोड़े से पनीर ले लिए हैं। वेजीज में मैंने लिया गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और टमाटर एक मैंने लिया है, दो प्याज लिया है और फ्रेश हरी धनिया मैंने लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पनीर को ग्रेट कर लेते हैं। पनीर यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के करीब पनीर लिया है, इसे बढ़िया से हम ग्रेट कर लेते हैं। सारे पनीर को इसी तरह से हमें ग्रेट कर लेना है। तो लीजिए, मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया है। अब साथ में हम गाजर को भी ग्रेट कर लेते हैं इसी के साथ। यहाँ पर मैंने एक बड़ा गाजर था जिसे मैंने आधा लिया है, तो लीजिए मैंने गाजर को भी ग्रेट कर लिया है। इसी के साथ हम जितने भी वेजीज मैंने लिए हैं, सारे वेजीज को हमें काट लेना है बारीक बारीक करके। तो सबसे पहले हम टमाटर को काट लेते हैं। तो यहाँ पर हम सारी सब्जियों को डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, साथ में जो मैंने प्याज को और शिमला मिर्च को भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को भी ऐड कर दिया है। 2 से 4 मैंने हरी मिर्च लिया है, ये तीखी वाली मिर्च नहीं है गाइस, तो 4 मैंने हरी मिर्च लिया है। साथ में मैंने प्याज को भी बारीक करके काट लिया है। अब फ्रेश हरी धनिया डालने के बाद यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। मसाले मैंने लिया है आधी छोटी चम्मच के करीब, मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, आधी छोटी चम्मच लिया है जीरा पाउडर और 1 छोटी चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर। साथ में थोड़ा सा मैंने लिया है गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया है। सभी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम उबले हुए मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रोजन मटर हो तो वो भी आप डाल सकते हो। ये ताज़े मटर हैं जिसे मैंने थोड़े से मैंने उबाल लिया है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे साइड में रख देते हैं। लेते हैं मिक्सिंग बाउल। मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 1 कप के करीब बेसन, साथ में ऐड करेंगे 1/4 कप के करीब सूजी, ये बारीक वाली सूजी है गाइस। अब इसी के साथ हम नमक भी ऐड कर दे रहे हैं, नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा। अब इस तीनों चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। साथ में थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देते हैं जिससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। हल्दी पाउडर डालने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1/4 कप के करीब दही, तो यहाँ पर मैंने दही भी ऐड कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे बढ़िया से हमें घोल तैयार कर लेना है। घोल हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो इस थोड़ा थोड़ा पानी पहले डाल के इसे बढ़िया से हम घोल तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा लम्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के इसे बढ़िया से इसका घोल तैयार करेंगे। अभी देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि सूजी मैंने ऐड किया है ना, तो ये सूजी पानी को अब्जॉर्ब करता है। तो थोड़ा सा और पानी मैंने डाला है और ये देखिए बिल्कुल समोसा हमारा बैटर तैयार हो चुका है। ऐसे मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दे रही, ये देखिए थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो बनाते वक्त थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने गैस पे तवा रख दिया है, गैस का फ्लेम कर लेते हैं ऑन। थोड़ा सा घी से ग्रीस करेंगे तवे को और बैटर को हमें बढ़िया से फैला देना है चारों तरफ। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से आपका चीला बनकर तैयार हो जाएगा गाइस। अब पहले हम डाल देते हैं 1 कलछा, फिर दूसरा भी कलछा हम डाल देते हैं और इसे बढ़िया से फैला देते हैं। ये आपका चीला बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी बनने वाला है गाइस। और देखिए बहुत ही फटाफट ये धीरे धीरे से मतलब ड्राई होना शुरू कर देगा। फैलाने के बाद इसे हमें 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और 2 मिनट के बाद आप देखिएगा ये धीरे धीरे से ड्राई होना शुरू कर दिया है, देख सकते हो आप लोग। और ये देख सकते हो ये अच्छे से ड्राई हो चुका है, हल्के हल्के से और सिकने देंगे। जैसे ही ये ड्राई हो चुका है तो इस पर हम डाल देते हैं जो मैंने वेजीज और पनीर को मिक्स करके रखा था मसालों के साथ। अब इसे बढ़िया से हम फैला देते हैं चीले के ऊपर, तो चारों तरफ हमें बढ़िया से फैला देना है। और ये देखिए मैंने बढ़िया से फैला दिया है। अब इसे धीरे धीरे से हम इसका रोल तैयार कर लेंगे और ये हमारा चीला बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हम दूसरे भी चीले को बना लेते हैं। तो 2 कलछा डालेंगे और इसे बढ़िया से हम फैला देंगे। ध्यान रखिएगा तवे को हमें ज़्यादा हिट नहीं करना है। ये देखिए तवा ज़्यादा हिट हो जाता है, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम होने लगती है। तो जब भी आप दूसरा चीला बनाइए तो गैस का फ्लेम कर दीजिए बंद, फिर आप इसे ठंडा करके ही चीले को तैयार करिए। और ये देखिए दूसरा भी हमारा चीला बन गया है। तो फटाफट हम मसाले को बढ़िया से फैला देंगे, इसका रोल तैयार कर देंगे। कुछ सेकंड के लिए इसी तरह से हमें गर्म होने देना है, फिर आप फोल्ड करिएगा। बहुत ही आसानी से बन जाता है गाइस। तो बस इसी तरह से हम फोल्ड करते जाना है। तो 2 चीला हमारा बन चुका है, तीसरे चीला भी हम इसी तरह से सेक लेते हैं और इसे भी हम फोल्ड कर देते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है गाइस।
तो लीजिए, हमारा गर्मा गर्म चीला तैयार है। इसे आप हरी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है गाइस। इसे मैं काट के भी दिखा दे रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।